हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सिरप के बारे में। तो बहुत ही जल्दी यह बुखार से और कॉमन कोल्ड से बच्चों में राहत दिलाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं फैब्रेक्स प्लस सिरप के बारे में। तो इसे मैन्युफैक्चर करता है इंडिको रेमेडीज। इस मेडिसिन को लेने के लिए दोस्तों आपको चिट्ठी की या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। और इसे कंटेंट के बारे में बात करते, इसमें कंटेंट है क्लोरोफिनरामाइन मेलेट 1 mg और पैरासीटामोल 125 mg और फिनाइलफ्रिन 5 mg एंड सोडियम सिट्रेट ईच 5 ml। तो दोस्तों ये फेब्रेक्स प्लस डॉक्टर बच्चों में कब प्रिस्क्राइब करता है और क्या समय इसका, कितना समय के लिए प्रिस्क्राइब करता है, इसके डोसेस क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों। अगर आप मेडिसिन की जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों जो फैब्रिक्स प्लस में जो कंटेंट है उसके अगर वर्क के बारे में देखें, इसमें जो क्लोरोफिनरामाइन मिलेट है ये क्या करता है दोस्तों, एंटी एलर्जिक होने की वजह से ये हमें जो रनिंग नोज रहती है, जो हमारी नाक बहती है और आंखों से पानी आ रहा है और बार बार छींक आ रही है, तो उसे कम करता है। और इसमें जो फिनाइलफ्रिन है दोस्तों ये क्या करता है, जो हमारे एयरवे के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसे थोड़ा सा पतला करता है, ताकि जिसमें जो कंजेशन है, स्टफिनेश है, वह कम हो जाए हमारे नोज के। और दोस्तों में जो पैरासीटामोल है उसका मेन वर्क है दोस्तों, यह एंटी पैराटिक, एंटी एनाल्जेसिक होने की वजह से यह फीवर को कम करता है और साथ में यह बुखार को भी कम करता है। तो दोस्तों इसमें जो सोडियम सिट्रेट है या म्यूकोलाइटिक है, यह क्या करता है, जो म्यूकस रहता है उससे पतलापन करता है, ताकि जब हम खांसे तो आसानी से बाहर निकल जाए। तो इस तरह से यह इसमें जो इंग्रेडिएंट है काम करते हैं। तो दोस्तों इसे डॉक्टर तभी प्रेस्क्राइब करता है जब बच्चों में खांसी आ रही हो, सर्दी हो, कॉमन कोल्ड हो, या उसे बार बार छींकें आ रही हो, या उसे बुखार के साथ में उसे बदन दर्द हो, तब डॉक्टर यह प्रेस्क्राइब करता है बच्चों में फेवरेक्स प्लस सिरप। तो दोस्तों इसके अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, इसमें साइड इफेक्ट है कि बच्चों का जी मचला सकता है, उसे उल्टी हो सकती है, उसका सर दर्द हो सकता है दोस्तों, और उससे थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो सकता है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है, हर एक जन में नहीं होते, किसी किसी में होते हैं। अगर आपको परसिस्ट रहता है, ज़्यादा समय तक रहता है, तो आप डॉक्टर के इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करें। इस मेडिसिन को लेने से पहले दोस्तों एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खुद से लेते तो हो सकता है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आप इसे लेना स्टार्ट करते हैं, बच्चों को देना स्टार्ट करते हैं, विद इन द 15 to 30 मिनट में आपको देखेंगे कि बच्चों को रिलैक्स महसूस होने लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो दोस्तों इसके डोज और ड्यूरेशन के बारे में बात करें, तो डोज एंड ड्यूरेशन डिपेंड करता है बच्चे की सीवियरिटी के ऊपर। तो जिस हिसाब से डॉक्टर आपको रिकमेंड करे बच्चे के लिए, उसी एडवाइस को आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक कर दें। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड फैब्रिक्स प्लस सिरप से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने कभी अपने बच्चों में दिया है तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिले, कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।